अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। शुक्र है अल्लाह का कि हम भी ठीक हैं। बाकी ये जो तीन दिन दो दिन से मीडिया पे ये बात आ रही है कि वो जो लड़की का रेप हुआ है गुजरपुरा में मोटरवे पे, सानिया है उसके लिए तो बहुत बड़ा है हमारे लिए और पाकिस्तान की सरजमीन इस वक्त इन चीज़ों के लिए बहुत ज़खीर हो गई है। क्यों कि सोचता ही कोई नहीं इस चीज़ को कि ये क्यों हो रहे हैं। पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं। कुछ के सियासतदान दोस्त हैं, कुछ के पुलिस वाले दोस्त हैं, कोई जागीरदार का है, कोई चौधरी का है। बड़े बड़े साने होते हैं, बड़े बड़े मसले बनते हैं, परेशानी आती हैं, सब छूट जाते हैं। अब कोई और बात कर रहा है और सब बातें कर रहे हैं। इस चीज़ को अब ये सोचें कि वो लड़की, ये एक मौत है उसके लिए, उसके बच्चों के लिए। एक वो मौत है जो मर गया बात ख़त्म हो गई, ये मौत है कि जब तक उन्होंने ज़िंदा रहना है इसी चीज़ के साथ ज़िंदा रहना है। कि यहाँ वो कैसे सामना करेंगे अपने रिश्तेदारों का, और वो जो बच्चे अपनी माँ के साथ माँ के शहर मुल्क में आए या बाप के मुल्क में आए, जब वो उस माशरे में जाएंगे तो कैसे सामना करेंगे, कैसे वो बच्चे सामना करेंगे उन लोगों का, वो औरत कैसे उन लोगों का सामना करेगी जिनमें मुस्लिम भी होंगे, गैर मुस्लिम भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, दूसरे भी होंगे। इस ये चीज़ सोचने की बात है कि नफ़रत तो पहले ही लोग पाकिस्तान से बहुत कर रहे हैं। क्यों? इस यही जो मसले हैं इसी वजह से। वो बच्चे जब जाएंगे यहाँ से तो क्या वो पाकिस्तान को अच्छा कहेंगे? जो उनसे मिलने वाले हैं, उनके दोस्त होंगे, कुछ वो बच्चे बड़े होंगे, तो पाकिस्तान को एक गलत मुल्क के तौर पर जानेंगे और बताएंगे ये मदीना की रियासत है। कि ये मदीना की रियासत का कहा जा रहा है लेकिन अमल हो रहा है इस पर। ये कह दिया है कि ये अकेली ना निकलती, उस जगह से ना निकलती। क्या उसे पता था कि ऐसे होगा? ठीक है, उसमें उसकी गलती मानते हैं कि उसकी गलती थी कि उसका पेट्रोल, अपना पेट्रोल चेक करके निकलती, गाड़ी चेक करके निकलती। जब हम रास्तों पे निकलते हैं तो ये दोनों चीज़ें चेक करने वाली बात है। लेकिन उसने अब फ़ोन किया, गाड़ी बंद में फ़ोन किया कि ऐसे ही होता है, अगर हम लोग भी निकलेंगे तो ऐसे ही है। अब ये कोई कह दे कि वो मर्द के साथ निकलती, तो कोई गारंटी है कि मर्द के साथ विरान रास्ते में ये मसला नहीं बन रहा? मर्दों मर्द साथ होने के बावजूद ये मसले बन रहे हैं, क्योंकि ये मदीना की रियासत कहा जा रहा है इसे। मदीना की रियासत को बदनाम पर मुल्क को बदनाम किया जा रहा है, ये भी एक बदनामी है। क्या उनको सजा मिलेगी? बहुत कुछ कह रहे हैं, हैदर अली ने कुछ कहा, किसी दूसरे ने कुछ कहा, तीसरे ने कुछ कहा। ठीक है, वो जो सैयद हैदर अली ने सजा बताई है वो बहुत अच्छी है, और वो जो एक दूसरे लोग बता रहे हैं सजाएं वो भी सही हैं। लेकिन ये कि सजाएं देंगे कब? एक दो तीन चार लोगों को सजा हो जाती तो ये शायद जुर्म रुक जाते। लेकिन तंजीमें या जो एनजीओज हैं जो इसके ख़िलाफ़ उठाएंगे कि ये सजा नहीं होनी चाहिए, सरेआम फांसी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? किस चीज़ का इंतज़ार है? मुल्क बदनाम हो रहा है, इस्लाम के लिए बदनामियां पैदा कर रहे हैं, मुल्क के लिए बदनामियां पैदा कर रहे हैं। जब वो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ की पुलिस बदनाम होगी, यहाँ के सियासतदान होंगे, यहाँ के हुक्मरान होंगे, क्योंकि उस बेचारी वो तो नज़रें मिलाने के काबिल ही नहीं रही लोगों को। कितनी तकलीफ का ये बात है, कहीं भी ये बात हो तो बहुत तकलीफ का है। लेकिन इस मुल्क में, पाकिस्तान में, जिसको मदीना की रियासत कहा जा रहा है, मदीना की रियासत के नाम पर हमारे हुक्मरानों ने वोट लिए हैं और हमने दिए हैं, तो फिर भी कुछ नहीं। वही पुलिस है, वही निज़ाम है, वही सब कुछ है। किसी चीज़ का फ़र्क पड़ा?
उसी तरह जैनब है, उसी तरह मरवा है, उसी तरह सब कुछ है, बल्कि उससे बढ़ गया सब कुछ। अल्लाह ताला हम पर रहम करे, इस मुल्क पर रहम करे, बाकी हमारे सियासतदान या हमारे हुक्मरान या हमारे पुलिस वाले, अल्लाह ताला इनको भी अक्ल शऊर दे, इस चीज़ को सोचे कि हमने जवाब देना है। ये बहुत तकलीफ का बात है जो इस वक्त हुई है उस बहन के साथ, लेकिन ये समझ नहीं, ये लोग सोचते नहीं है कि हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को, कि अल्लाह तेरे, तूने हमें हुक्मरानी दी, तूने हमें अहदा दिया, हमें पैसा दिया, हमने उसका क्या हक अदा किया। बस सब यही दुआ है कि अल्लाह ताला उस बहन और बेटी को हिम्मत दे, उसको जीने का हौसला दे, वो बच्ची अपनी माँ का सहारा बने, अपनी माँ के आंसू साफ करने वाले बने, उसका शोहर उसका सहारा बने, उसकी ढाल बने। बहुत तकलीफ का बात है, ये भूलने वाली नहीं है, सान है ही ऐसा गुजरा उस पर। बाकी हम तो दुआ ही उसके लिए करेंगे कि हमारी बेटी, हमारी बहन जो है वो हिम्मत वाली बन जाए, भूलेगा तो नहीं उन्हें, ना उसमें बच्चों को भूलेगा। हम अपने घरों में बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, हमें कितनी तकलीफ है सोच के, और उस उनके ऊपर तो बीत गई है। बहर फिर यही बात है कि अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे, और वो जो उसके मुजरम है अल्लाह ताला उनको ऐसी सजा दे कि वो लोगों के लिए इबरत बन जाए, हमारी पुलिस उनको छोड़ने वाली ना बने, किसी के फ़ोन पर ना उन्हें छोड़े, किसी के हुक्म पर ना छोड़े, माने तो अल्लाह ही का हुक्म माने, क्योंकि ये एक मौत है और इसकी सजा जो है फांसी ही है, और फांसी